हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मोटिवेट बॉक्स के एक और नई वीडियो में। क्या आपके पास भी है सब्लिमेशन का पूरा सेटअप और आप चाहते हैं डार्क फैब्रिक या फिर डार्क टी-शर्ट पे प्रिंट करना, जो कि आप सब्लिमेशन प्रिंटिंग के थ्रू नहीं कर पाते हैं? तो आज हम आपके लिए लेके आए इसका सोल्यूशन। मोस्टली इसके तीन सोल्यूशन होते हैं। पहला सोल्यूशन है, आप DTF प्रिंटिंग के थ्रू अपने डार्क टी-शर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। आप इसका जॉग वर्क भी हमसे ले सकते हैं और आप इसका सेटअप भी हमसे परचेज कर सकते हैं। सेकेंड जो सोल्यूशन आपके पास है वो है डार्क पेपर के थ्रू प्रिंट करना। आप अपने डार्क पेपर को इंकजेट प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं और हीट प्रेस मशीन के थ्रू अपने टी शर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो है सबली विनाइल या फिर सबली फैब्रिक विनाइल। आप अपने सबली विनाइल के थ्रू भी अपने डार्क टी शर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रोसेस हम देख लेते हैं कि कैसे ये प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। सबली विनाइल के थ्रू अपने डार्क टी शर्ट को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सबली विनाइल, जिसको आप अपने किसी भी प्लॉटर से कट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने कटिंग प्लॉटर के थ्रू ही कट करिए, क्योंकि कटिंग प्लॉटर के थ्रू कट करने से आपका जो डिजाइन है वो काफी प्रॉपर तरीके से कट जाए और उसकी फिनिशिंग जो है वो भी काफी अच्छी आएगी। और आपको चाहिए एक डिजाइन, जो भी आप अपने टी-शर्ट पे प्रिंट करना चाहते हैं वो आप अपने नॉर्मल सब्लिमेशन प्रिंटर के थ्रू निकाल लेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो डिजाइन है सबली विनाइल के अकॉर्डिंग ही प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए आप देख लेते हैं इसका प्रिंटिंग प्रोसेस कि कैसे इसको प्रिंट किया जाता है। इसका प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके भी आपके दो मेथड होते हैं। आप इसको दो तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे पहला मेथड है कि आप पहले अपने इस विनाइल को इस टी-शर्ट से स्टिक करेंगे, देन आप अपने इस डिजाइन को इस पे प्रिंट करेंगे। जो सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है कि पहले आप अपने डिजाइन को इस विनाइल पे प्रिंट करेंगे, देन उसके बाद आप इसको इस पे स्टिक करेंगे। तो चलिए आप इसका प्रिंटिंग प्रोसेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने इस विनाइल को इस ट्रांसपेरेंट शीट से रिमूव करेंगे। इस विनाइल पे आप देख सकते हैं, एक तरफ आपको फैब्रिक वाला पार्ट मिलेगा और एक तरफ आपको थोड़ा सा शाइनिंग वाला पार्ट मिलेगा। ये जो शाइनिंग वाला पार्ट है वही आपका टी शर्ट पे स्टिक होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि शाइनिंग वाले पार्ट को स्टिक करने के लिए आपको क्या और टाइम और टेम्परेचर आपको सेट करना होता है। इस विनाइल को टी शर्ट पे स्टिक करने के लिए आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो है 160 डिग्री का और जो टाइम आपको चाहिए वो है 30 सेकंड का। तो देखिए आप, हमारा टाइम और टेम्परेचर पहले से सेट है। आप इस एरो के बटन से कम और ज्यादा टाइम को कर सकते हैं और टेम्परेचर भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी मशीन हीट हो चुकी है। अब हम इसको स्टिक करने के लिए इसको लॉक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो विनाइल है वो हमारी टी शर्ट से स्टिक हो चुकी है। अब हम अपने इस डिजाइन को इस विनाइल पे प्रिंट करेंगे। तो चलिए आप इस डिजाइन को इस विनाइल पे हम प्रिंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने अपने इस ब्लैक टी शर्ट को सबली विनाइल प्रिंटिंग के थ्रू प्रिंट कर लिया है। आप भी अपने इस ब्लैक टी शर्ट को सबली विनाइल प्रिंटिंग के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने सबली विनाइल के थ्रू अपने डार्क टी शर्ट को प्रिंट कर लिया है। अगर आप भी सबलिमेशन प्रिंटिंग यूज करते हैं और डार्क टी शर्ट को प्रिंट करने में आपको ये सब प्रॉब्लम आती है, तो आप इसी प्रोसेस के थ्रू अपनी टी शर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर हम सबली विनाइल के प्राइजेस की बात करें तो आपको हमारे पास 20 इंच चौड़ाई वाला विनाइल 300 रुपए मीटर से मिल जाता है, जिसमें आपकी 8 A4 शीट आराम से निकल जाती है। पर A4 शीट की अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो आपका 35 से 40 रुपए बैठता है। अगर आप बल्क में ऑर्डर करते हैं या फिर अगर आप 50 मीटर रोल ऑर्डर करते हैं तो उसमें आपका जो कॉस्टिंग है वो और भी कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने डार्क फैब्रिक को या फिर डार्क टी शर्ट को सब्लिमेशन प्रिंटिंग के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको कॉमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। नमस्कार।